जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज का जो लाइव है वो उसका जो शीर्षक है वो तो आप सभी साथियों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज के लाइव का शीर्षक क्या है। पिछले कुछ दिनों में जो अत्याचार बढ़े और उसके साथ साथ जिस तरह से हमें आने वाले कल में काम करना है, इन तमाम तरह की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए और जिस तरह से हमें काम करना है उन सब पे आज आपसे बात करने के लिए मैं उपस्थित हूं। तो बात की शुरुआत से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए अक्सर मैं उनके नाम लेता हूं तो मुझे लगता है कि नाम लेने से अच्छा है कि उनके रास्ते पर चलना ज्यादा बेहतर है। जिन महापुरुषों का मैं नाम लेता हूं बेहतर जानते हैं और मेरा प्रयास है कि उनके कारवा को, रुके हुए कारवा को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज मेरे दो तरफ जब आप मुझे देख रहे हैं तो आपको दो तस्वीरें और दिखाई दे रही, दो महानायक, एक महामना रामस्वरूप वर्मा जी और एक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीतिक दल का निर्माण किया और संघर्ष भी किया और बलिदान दिया, जिन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़े अपने जीवन भर। महामना रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के जो संस्थापक और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, एक दूसरों ने तो शहादत दी। तो मैं इन आज दोनों महापुरुषों को नमन करता हूं और जो संत महापुरुष भी जन्मे हैं, संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज, तथागत बुद्ध, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, उनको भी नमन करता हूं। साथियों, मैंने तो आज बराबर में एक बड़ा सा चिट्ठा रखा है पिछले कुछ दिनों घटनाओं का और मैं वो आप सबके सामने रखूंगा। मैं उन कार्यकर्ताओं का भी, साथियों का भी, भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं और इतने बड़े पैमाने पर अन्याय के खिलाफ लड़ पा रहे हैं तो हमारे साथियों के संघर्ष की बदौलत। व्यक्ति से बड़ा होता संगठन। मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं इसलिए सब लोगों के ऊपर अंकुश रहे, चाहे मैं हूं या नीचे के लेवल पे। इसलिए हमने अनुशासन समिति बनाई है, इसलिए हम लोगों ने समन्वय समिति बनाई है, इसलिए इन सब पे भी ये सब लोग काम करें निगरानी में। इसलिए हमने मिशन 78 बनाया कि हमारे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की निगरानी में सभी प्रदेश अध्यक्ष और मैं खुद भी काम करूं, क्योंकि व्यक्ति अक्सर जो है ताकत मिलने पर तानाशाह हो जाते हैं। पिछली जो गलतियां हुई उनसे सीख लेके हम लोग काम कर रहे हैं और अभी मैं लगभग देश के बड़े एक तिहाई हिस्से में जो है लगभग मैं घूम आया पिछले एक दो महीने के अंदर और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा संघर्ष, एक अच्छा दिलचस्पी जो है मूवमेंट के प्रति लोगों में। तो अब मैं सभी साथियों निवेदन करूंगा कि मेरी बात पर गौर करें कि हालात क्या है। जैसे अभी शामली की एक घटना है, दुष्कर्म का विरोध करने पर की थी महिला की हत्या, एक। फिर लखनऊ की एक प्लास्टर के विवाद में महिला की हत्या, दो। कासगंज के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास, तीन पर केस दर्ज। मेरठ सेना के जवान की दुष्कर्म पीड़िता पत्नी इंसाफ न मिलने पर राहत, अस्पताल में भर्ती। कानपुर, पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत, पत्नी का आरोप पीट पीट कर मार डाला। मेरठ, चौथी मंजिल से कूदी छात्रा, सुभारती यूनिवर्सिटी जिस बच्ची से मैं वानिया से के परिवार से मिलने भी गया था। मेरठ,
मेरठ में मुख बहादुर युवक की पीट पीट कर हत्या, आंख भी फोड़ी। फतेहपुर, फतेहपुर में पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, 7 पुलिसकर्मियों पर केस। मैनपुरी, पेट्रोल डालकर जलाई दुष्कर्म पीड़ित किशोरी ने तोड़ा दम। औरैया, दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, सब खेत में पड़ा मिला, गला दुपट्टे से कसा था, शरीर पर चोटों के निशान। महोबा, युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म। कछुआ, पुलिस ने दुष्कर्मी को छोड़ दिया इसलिए दे रही हूं जान। झांसी, झांसी में दलित छात्रा ने किया आत्मदाह, कोहराम। आजादी के 75 साल बाद भी हाथ से मैला उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। सीवर में 2 लोगों की मौत से हाईकोर्ट ने डीडीए को लगाई फटकार। जलालपुर, अंबेडकर नगर, सिस्टम ने ली सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की जान। कुरावली, जिंदगी की जंग हार गई कुरावली की बिटिया। लखनऊ, आश्रम में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, 4 पर केस। लखनऊ, अगवा कर शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म। फरीदपुर, किशोरी को घर से उठा ले गए युवक, मुंह में कपड़ा ठूंसकर किया दुष्कर्म। खोड़ा, सेप्टिक टैंक में सफाई करते ठेकेदार व कर्मचारी की मौत। जमशेदपुर, मंत्री से बोली मां, छात्रा की मां, पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। भोपाल, एमपी टूरिज्म दफ्तर में महिला का यौन शोषण, आत्महत्या की कोशिश। आजमगढ़ में दुष्कर्म के बाद 8 वर्ष की बच्ची की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली, 7वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म। बनारस नहीं, वाराणसी, प्रयागराज, 2 जगह खबर है, फीस वृद्धि खिलाफ जुलूस। अभी इलाहाबाद में 400% फीस बढ़ाई गई। पुणे में बड़ा हादसा, सीवर की सफाई करते 2 कर्मचारी की मौत। चाईबासा में इंजीनियर युवती से गैंगरेप। राजस्थान में स्टाम्प पेपर बेची जाती है लड़कियां, नहीं बेचने पर मां से दुष्कर्म। यूपी के जौनपुर में 15 वर्षे प्रिया प्रजापति का सब संदिग्ध परिस्थिति में रेल ट्रैक से मिलने, बहुत ही दुखद। और घटना है यूपी की औरैया में, जहां एक मां चीख रही, और पुलिस वाले, आपने देखा होगा कि वो एक बिटिया के शव को उठा के बहुत तेजी से खाट पर भाग रहे हैं। मेरठ के कबूलपुर में जहां दलितों पर हमला हुआ जिनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई। अंबेडकर नगर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता अरुण की हाथ पर बांध के हत्या की गई। औरैया में एक स्कूली छात्र को टीचर द्वारा निर्मम पिटाई से मौत। लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों की दिनदहाड़े हत्या कर पेट पे लटकाया। और एक घटना जिसमें मैं कल जा रहा हूं दमोह की, जहां ट्रिपल मर्डर हुआ। मैंने ये घटना आपको इसलिए बताई कि आप ये सोचते हैं पूरे देश में आप आंदोलन चला रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरे जिले, मेरी गली में नहीं हो रहा है, मेरे गांव में नहीं हो रहा है, मेरे कस्बे में नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम समाज को परिवार मानते हैं तो पूरे देश में तो हो रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें से जितनी घटनाएं, 99% बेटियां बहुजन समाज की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, इन्हीं की। अभी जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इनके दर्द तो भी, जख्म तो भरे भी नहीं। उसके बाद एक और साथी की वहां पेट से लटका के हत्या की गई थी। और राजस्थान में तो मैं क्या बताऊं आपको कि क्या हाल है। अभी गुजरात में क्या हुआ है आपने देखा, मोरबी में। भ्रष्टाचार और राजनीति की भेंट चढ़ते लोग, 150 के लगभग लोगों की जान चली गई, फर्क ही नहीं पड़ता है। 2 दिन में भूल जाएंगे लोग को चुनाव लड़ना, वहां चुनाव
मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी सोचते हैं कि चंद्रशेखर भाई हर घटना में आ जाए, और मैं भी सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा घटनाओं में जा पाऊं, लेकिन मैं आदमी तो एक ही हूं, सब जगह तो नहीं जा सकता। इसलिए आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। भीम आर्मी के लोगों को गांव तक, अंतिम गांव तक पहुंचना पड़ेगा, अंतिम गली तक, अंतिम घर तक बहुजन समाज के पहुंचना पड़ेगा। यह न्याय आजाद भारत में खत्म होने के बजाय बढ़ रहा है। मेरा प्रयास रहता मैं सभी घटनाओं में जाऊं, लेकिन मुझ अकेले से सब नहीं होगा। आपको इतना मजबूत संगठन बनाना होगा कि वहां का शासन और प्रशासन सक्रिय रहे। ये एक अच्छी बात कि आज हजारों मुकदमे लिखे जाते हैं जिन मामलों को गांव में पंचायत करके रफा दफा कर दिया जाता था, आज उनमें मुकदमे दर्ज होकर कार्रवाइयां होती हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, सजा होती। इसके लिए मैं भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के साथियों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये उनको सजा दिलाना या घटनाओं पर जाना ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन लोकतंत्र में आपके पास, स्पेशली मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथी, वो तमाम साथी जो किन्हीं कारणों से घर बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप मेरे या वहां किसी भी अध्यक्ष या किसी कार्यकर्ता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप बाबा साहब के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आपका जब जहां जहां आपका संगठन मजबूत है वहां कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार कम हो रहे हैं, और अन्याय अत्याचार करने वाले को एहसास हो रहा है कि उसको सरकार भी नहीं बचा पाएगी, प्रशासन भी नहीं बचा पाएगा, पुलिस भी नहीं बचा पाएगी, तो वहां सख्त कार्रवाई हो रही है, इसलिए लोगों में डर का माहौल बना है। और जहां आप लोग लापरवाह होकर निष्क्रिय होकर बैठे वहां तो अन्याय बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं लगातार, आपको याद है मैं राजस्थान गया, मध्य प्रदेश लगातार जा रहा हूं, कल फिर मध्य प्रदेश जाऊंगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इन सब जगह आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और कोई काम नामुमकिन नहीं है, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो। अगर आप सच्ची तमन्ना से करो तो रास्ते हजार होते हैं, साहब काशीराम कहते हैं। और उन्होंने कहा मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो आप तो जिंदा लोग हो, आपके अंदर बल है, आपके अंदर क्रांति की ज्वाला है, आपके अंदर संघर्ष करने का मादा है। अगर आज आप अपना कैरियर छोड़ के मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, और कोई करे ना करे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जानते हैं कि ये सब चीज दांव पे लगा के काम कर रहे हैं, ना अपना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, ना जेल देखते हैं, ना मुकदमे देखते हैं, आसान है घर पे बैठ के बात करना। हर मां चाहती है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के उनको शहादत देनी। तो मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, मैं तो आपके कार्य का सम्मान करता हूं दिल से। मैं दो चीजें आपसे आज कह रहा हूं, पहली ज्यादा से ज्यादा भीम आर्मी पाठशालाएं खोलिए, और जब वो मेरे पास उनकी जानकारी आएगी तो मैं उनको ट्वीट करूंगा, उनको फेसबुक से वो करूंगा, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप एक अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं। फिर मैं दूसरी बात इसी कड़ी में आपसे कह रहा हूं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है, ना कि उनको दिया बत्ती करने की, उनके पीछे चलने की। उनको जरूरत है उनकी विचारधारा को समझने की और समझ के उसको आगे बढ़ाने की। जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं तब तक आप कैसे जान लो कितने दो लाइन बोल दी किसी महापुरुष के बारे में। जब तक आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, मामना रामसु वर्मा को नहीं पढ़ोगे, अर्जक संघ को नहीं पढ़ोगे, आपको क्या पता क्या है। कोई दो अच्छी लाइन बता देगा, आपको पसंद आगी, बोलने में अच्छी है, सुनने में अच्छी, लोग तालियां बजा देंगे, विरोधी गालियां दे देंगे, इससे हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति करनी है, सामाजिक आंदोलन चलाना है, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, ज्ञानशील बनना पड़ेगा, ज्ञानवान बनना पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि जहां कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं वहां शामिल हो और कैडर लें ज्यादा से ज्यादा, और फिर वो घर पे भी रहते
महापुरुषों को पढ़ें, पढ़ने के लिए पहले लल्ले यादव, पढ़ने के लिए माननीय काशीराम है, पढ़ने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज है, पढ़ने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, पढ़ने के लिए पैरिया रामास्वामी नायकर, पढ़ने के लिए संतराम बी ए प्रजापति, बहुत लोग हैं पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहो, और एक से एक वीरांगनाएं पढ़ने के लिए माए हमारी जो हैं, उनको भी नमन। अगर आप पढ़ना चाहो, अगर सीखना चाहो, अगर आप वास्तविकता में समाज सेवा के उद्देश्य से, राजनीति और समाज सेवा के उद्देश्य से महापुरुषों को कर्ज उतारने के लिए मिशन का काम कर रहे हैं, तो फिर आपको योद्धा बनना पड़ेगा, क्योंकि जब मैदान सजेगा तो भेड़ बकरियां नहीं लड़ेंगी, योद्धा लड़ेंगे। और योद्धा आदमी जो है आज लोकतंत्र में और संविधान के युग में वो पढ़ लिख के बन रहा है। आज आपको शासक बनने के लिए कोई तलवार भाला चलाने की जरूरत नहीं, बंदूक और लाठी चलाने की जरूरत नहीं, हाँ इनको सीखना चाहिए चलाना, लेकिन आज अब आपको ज्ञान में निपुण होने की जरूरत है। आज आपको राजनीति कैसे होती है समझने की जरूरत है, व्यवहार की जरूरत। मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि नौजवान साथी किसी भी धार्मिक युद्ध में ना फंसे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है। हम किसी की आलोचना करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम किसी को बुरा कह के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम किसी का अपमान करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम तर्क करें तो अपने समाज को सुधारने के लिए, हम अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाएं तो अपने लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। कभी कभी मैं देखता हूं हमारे साथी फेसबुक पे या तमाम ट्विटर अकाउंट्स पे उल्टा सीधा लिखते रहते हैं लोगों की पढ़ी पढ़ाई बातों में आके। उससे बताइए आपका कौन सा आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्या भीम आर्मी आगे बढ़ रही है, सामाजिक सेवा आगे बढ़ रही है, या फिर आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। तो मैं विशेष अपील करता हूं अपने साथियों से, सोशल मीडिया दोधारी तलवार से बचें, ज्ञान तर्क और जो महापुरुषों ने बातें की वही लिखें, किसी धार्मिक उस पर टीका टिप्पणी ना करें। हमें एक मजबूत लड़ाई लड़नी है, और जब सभी धर्मों का आजादी है तो सबको अपने धर्म को मानने के अधिकार है। जो लोग इस देश में अभी भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं वो क्या धार्मिक वो बनाएंगे। तो मैं तो कभी कभी देखता हूं, सोचता हूं कि हमें हमारा रास्ता क्या है और हम जा कहां रहे हैं। ये जो समस्या मैंने आपको गिना, इनका परमानेंट सोल्यूशन जानना चाहते हैं आप लोग, तो इनका परमानेंट सोल्यूशन है, साहब काशीराम ने कहा कि जो शासक वर्ग है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते, उनकी जमीन नहीं लूटता, उनको मूछे रखने पे घोड़े चढ़ने पे कोई हत्या नहीं करता है। फिर बाबा साहब ने भी कहा पॉलिटिक्स द मास्टर, की राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो सारे ताले खोल सकती है। लेकिन यहां तो एक एक वोट वैल्यूबल है, दुश्मन यहां, दुश्मन वर्ग के पास बड़ी मीडिया है, बड़े माफिया है, बड़ी मनी है, आपके खिलाफ झूठे प्रचार में आपके पास क्या है। आपको तो अपने अंदर क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, उनके झूठ का ढिंडोरा पीटने के लिए, उनकी गलतियों को छिपाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, रोड तमाम टीवी अखबारों में चलता रहता है, आपके पास क्या है। बहुत जल्द जो है हम अपना अखबार और पत्रिका शुरू कर रहे हैं, अपनी बातें आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को सही जो है गाइडलाइन देने के लिए, उनके जरिए जमीन पे काम करने के लिए। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की ये कहने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स द मास्टर की इस बात को दिमाग में बिठाने पड़ेगा कि हमें सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी है, और उसके लिए कीमत चुकाने के लिए संघर्ष करना, मेहनत करनी है, गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ना है, वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करना है, भाईचारा बना के संगठन बनाना है, और बिना संगठन के संघर्ष नहीं होगा। जो साथी सोचते हैं कि अपने आप लोग तब्दील हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, तब्दील तब होंगे जब आप लोगों को जाके बताएंगे। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान नेता हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो आगे बढ़े, एक दूसरे को छोटा कहना और सिखाने से अच्छा है वो लोग लोगों के बीच में जाके काम करें। मैं अपनी बहनों से, जो बहन नेता है हमारी, उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो लोग महिलाओं के बीच में जाएं, अपनी बात रखें, उनको समझाने का प्रयास करें, उनको बताएं कि आज के हालात क्या है, आपके पास बचा क्या है। कल मैं अधिवक्ताओं के एक सम्मेलन में था देवबंद, वहां परसों उस पर चर्चा हो रही थी, वहां एक साथी ने कहा कि बचा क्या है, आरक्षण है कहां आप लोगों के पास, कभी लेटरल एंट्री, कभी जो है और तमाम तरह से जो 29 शिक्षक भर्ती में हुआ,
इस तरह से आपके अधिकारों को हड़पा जा रहा है, आपके लोग कर क्या रहे हैं। मैं भी सोच रहा था कि उनकी बात सही है। उन्होंने ये भी कहा कि लाभ के लोग लड़ेंगे कब, जब सब कुछ छिन जाएगा। जब अगर आप बोलने को आजादी समझ रहे हैं तो चंद्रशेखर जवाब दो। तो मैंने उनसे कहा नहीं, भीम आर्मी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, भीम आर्मी के लोग जो है समाज को तैयार कर रहे हैं, वो अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जहां भी काम कर रहे हैं पूरे देश में, आप जिस भी पद पे हैं, मेरी तरह एक कार्यकर्ता बनकर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। मैं ये नहीं कहता अपना रोजगार छोड़ दे, रोजगार कीजिए, आप पढ़ाई करते अपनी पढ़ाई कीजिए, लेकिन जो समय आप इधर उधर घूमने में और तमाशबीन बनने में लगा रहे हैं, उस समय को आप अगर समाज पे खर्च करेंगे, मिशन पे खर्च करेंगे, इससे भी आंदोलन ताकतवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझसे भी ज्यादा काम करते हैं बीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन इस काम की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। जैसे विरोधी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, आपको भी अपने संगठन को मजबूत करना है। ये वैचारिक लड़ाई, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको तो साथ जोड़ लो समझा के, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो तेजी से काम करो, वो आपसी टकराव, आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव में मत पड़ो। जब मेरे जैसा व्यक्ति गांव से उठकर यहां आपके साथ आ सकता है, एक पहचान बना सकता है, तो आप भी बना सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी अपने अंदर क्षमता और ज्ञान पैदा करके समाज का विश्वास और दिल जीत सकते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, कितनी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में आपने देखी होंगी, हाथरस, उन्नाव, कानपुर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, दिल्ली, इतना अन्याय। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी बहन के साथ थोड़ा ही हुआ है। तो मैं तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हम तो समाज को जो लोग परिवार मानते हैं, मिशन चला रहे हैं, उन लोगों को तो समझना चाहिए कि इस अन्याय को रोकने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है कि हम लोग लोकतंत्र में जो अवसर है उसको ना चूके। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जो लोग जिस डेजिग्नेशन पे, जिस पद पे हैं, कोई कार्यकर्ता है, कोई पदाधिकारी, सबसे कह रहा हूं कि आपकी सबकी जिम्मेदारी गांव गांव जाके समाज को तैयार करें, आज के संघर्ष और परिस्थिति के बारे में बताएं कि हालात क्या होगी। आज जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है, सारे सरकार सिस्टम को बेच रही है, जिस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह कोलोजन सिस्टम के हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, जिस तरह से अन्याय बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से आप देखो किसानों मजदूरों के हाल है, अगर आप इस अन्याय को रोकना चाहते हैं तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो जिस तरह से दूसरी पार्टी के लोग व्यक्तिगत टिप्पणी और आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं, आपसे भी कह रहा हूं, बहुजनों की एक दूसरी पार्टी है, आप उनके लोगों को भी कहना बंद करो, उन पे भी टिप्पणी मत करो। मैं तो अपने सभी साथियों से कहूंगा कि हमें कोई जरूरत नहीं उनकी टिप्पणी पर करने की, वो तो अपने आप, उनको खत्म करने के लिए तो उनके नेता ही बहुत हैं, हमारी क्या जरूरत है। और कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, हमें तो आगे बढ़ाना अपने काम को, जब हमारे महापुरुष हमें कह के गए तो हमें उस काम को आगे बढ़ाना, अगर हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, ना उनके नेताओं पे जो बहुजन समाज के दल हैं, ना उनके कार्यों, अपने कार्यों पे हम अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, ये जनता तक पहुंचाना है। और जो ठगे गए लोग हैं उनको विश्वास दिलाना है कि हम नौजवान लोग इस क्रांति की लड़ाई को बहुत मजबूती से वैचारिक रूप से लड़ रहे हैं। आज अगर भाषा बदली है संघ की, मैंने कहा आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जाति व्यवस्था आपको भूल जाना चाहिए, कुएं तालाब एक होने चाहिए, शमशान एक होने चाहिए, तो ये आपके आंदोलन का बल है। लेकिन उनकी कथनी और करनी आप देख रहे हैं, वो तो कहते रहे इस बात को बहुत दिनों से हैं, लेकिन वो इस पर कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको चुनाव नजदीक है, आपकी वोट लेनी है, जिस दिन आपसे वोट का अधिकार चला जाएगा आपकी गली में कोई पैर नहीं रखेगा। आज आप पे वोट है इसलिए आपके पैर भी छुए जाते हैं, आपके पैर भी दबाए जाते हैं, आपके पैर भी धोए जाते हैं। लेकिन क्या मैं इन परेशानियों को गिनाता रहूं आपको?
क्या इन दर्द में आप लोग रोते रहे? क्या आप लोकतंत्र में, आजाद भारत में, जब तक आजाद नहीं थे तब तक तो अलग बात थी, लेकिन अब तो आजाद है, अवसर है। दो हाथ दो आंख, दो पैर दो कान, सारी चीजें तो बराबर दी हैं, दिमाग भी आप पे बराबर, फिर आप पीछे क्यों? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कुदरत ने जिन लोगों को दो हाथ दो पैर दो आंख दिए हैं, दो कान दिए हैं, एक अच्छा स्वस्थ शरीर दिया, वो किसी से कमजोर नहीं है। अगर वो आज पीछे तो अपनी वजह से, या फिर जो अवसर की असमानता इस देश में, तो उस असमानता को खत्म नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी इसका शिकार होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी सम्मान से जिए, तो संघर्ष करें और जम तो दिल लगा के मेहनत करें, जमकर मेहनत करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी आपकी नहीं, वो गुलाम बने या इस देश में रेंग कर जिए या सुविधाओं के बिना जिए, तो फिर आप आराम से पढ़ के सोएं। मैं अपने अधिकारी कर्मचारियों से भी कह रहा हूं कि वो भी इस आंदोलन में, क्योंकि वो बुद्धिजीवी समाज है, वो भी भागीदारी करे। अब निर्णायक लड़ाई, इस निर्णायक लड़ाई में भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग बहुत मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, उनको आपकी जरूरत, आपके गाइडेंस की जरूरत, आपके अनुभव की जरूरत। किसी कारण वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप जो है, मैं अपने अधिकारी कर्मचारी, आप पहुंचने का काम कीजिए, आप कोशिश कीजिए। मुझे भीम आर्मी के आजाद समाज में ईमानदार कार्यकर्ताओं पर बड़ा गर्व कि वो बिना स्वार्थ के और बिना किसी आर्थिक मदद के वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी, इतिहास उनको याद रखेगा। आज जिस तरह से पुराने संघर्षशील महापुरुषों को याद रखा जाता, आपका संघर्ष आपको यादगार बनाएगा, दुनिया में मरने के बाद भी जिंदा रखेगा। मैं आपसे अपील करता हूं, गांव-गांव जाके संगठन को मजबूत करें, लोगों को जोड़ें, तोड़ने का काम ना करें, अपने व्यवहार से किसी को अपमानित करने का काम ना करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे, उनकी परेशानियां सुने। हमारे लोग कम जा रहे हैं, विरोधी लोग ज्यादा जा रहे हैं, उनको बेवकूफ बना के ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को हम अपने दलों से जोड़ के उनकी वोट को लेकर उनके खिलाफ ही जो है काम कर रहे हैं, और हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए आपको उनके बीच में जाना है। मैं दिल्ली के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि वो भी अब तेजी से काम करें। अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आज आपके पास नाम है, प्लेटफार्म है, संघर्ष है, पहचान है, इसका फायदा उठाएं। मैं हरियाणा के साथियों से को भी कहना चाहूंगा, मैं मध्य प्रदेश राजस्थान के साथियों को कहना चाहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ झारखंड के साथियों को कहना चाहूंगा, मैं उत्तराखंड और यूपी के एक एक साथी को कहना चाहूंगा, मैं हिमाचल के साथियों को कहना चाहूंगा कि अपनी पहचान का प्रयोग करें, फायदा उठाओ, समाज को तैयार करें। आप पे विश्वास है लोगों का, इस विश्वास को और मजबूत करें। मैं पूर्वांचल के साथियों से भी कहना चाहता हूं, गांव गांव जाएं, अपने विचार और अपनी बातों को लोगों के बीच में रखें, और अगर कोई समस्या आ रही है तो महापुरुषों को पढ़ें। मैंने दो महापुरुषों के फोटो आज अपने साथ इसलिए लगाए कि आपको एहसास हो, जातियां आपके महापुरुषों ने नहीं बनाई, आपके लिए नहीं बनाई, जातियां तो आपको बांटने के लिए बनाई। इसलिए आप याद रखें, जिस भी महापुरुष ने संघर्ष किया उसको आप याद रखें। आज के दिन हम सरदार पटेल जी को भी नमन कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब के साथ। जैसे जैसे इतिहास की आपको जानकारी मिलती रही, आप ज्ञान कहां से मिलेगा? वो पढ़ने से आएगा, जानने से आएगा, सीखने से आएगा, बोलने से आएगा, सुनने से आएगा। तो धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। आज आपके काम की सराहना हो रही है पूरे देश में, आज आपके संघर्ष के लोग मिसाल दे रहे हैं। जो कुछ साथी स्वार्थ के साथ काम कर रहे हैं, उनसे अलग जो लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है। जो साथी किन्हीं कारण घर बैठे, उनसे मेरी अपील, जो किसी कारण से मान सम्मान की बात सोच के छोड़ के बैठ गए, उनसे मेरी अपील है कि वो आए और मिलकर काम करें और अपनी ताकत को मजबूत करें। और साहब कहते थे, दूसरों के महलों से अच्छी होती अपनी झोपड़ी। ये जैसा भी आपका घर, उसको आपने बना के तैयार किया, इसको ताकतवर बनाएं। कभी तो मौका दें इस अन्याय में हंसने का, खुश होने का, लेकिन असली हंसी और असली ताकत तब आएगी
जब इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों को समानता का जीवन, सुविधाओं का जीवन, अधिकारों के साथ जीवन और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने कराया जाएगा, तब असली लड़ाई पूरी होगी। आपने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। मैं दोबारा से भीम आर्मी के एक समर्पित कार्यकर्ता का, आजाद समाजवादी एक समर्पित कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि वो काम कर रहे हैं। और मेरी सब पे नजर, जो अच्छा कर रहा है उस पर भी, जो नहीं कर रहा है उस पर भी, और जो गलत करने का प्रयास कर रहा है उस पर भी। और इसलिए मैंने अनुसार समिति से कहा कि ध्यान रखो, जो भी कर रहा रिपोर्ट बना के दो, उस पर कार्रवाई करो। कोई एक आदमी दूसरे कई लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, उस पर कार्रवाई करके उसको हटाओ, या फिर उसको सुधरने का मौका दो, और सुधरे तो अच्छी बात। तो पुणे सादर, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामना, संघर्ष कीजिए। कल मध्य प्रदेश में उस परिवार के आंसू पूछने जा रहा हूं जिस परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है, वो इस दुनिया में नहीं। और मोरबी के भी में जो गुजरात में हुआ, उनको भी जो है आदरांजलि भेंट करता हूं। कितने ही तो बच्चे थे, ये धर्म के निवाले बन गए। धर्म इंसानों के लिए, इंसान धर्म के लिए नहीं। लोगों को राजनीति करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको, जिनके बच्चे चले गए उनके आंसू कौन पूछे, कोई लौटा देगा क्या? जिनके पिता चले गए, जिनकी माएं चली गई, कहां से लेके आएंगे? तो इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बच के अपने अधिकारों का प्रयोग करके आगे बढ़ते रहिए। जय अर्जक, जय मंडल, जय भीम, जय जोहार। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।